क्या आपने इस पर अभी टिक किया? तो डरिए मत, कुछ नहीं होगा। क्या आपको क्या लगता है, इस पर चैनल डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा? मोनेटाइजेशन नहीं होगा। क्या आप पैसा नहीं कमा पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप क्या करते हैं, क्रोम में जाके वीडियो पोस्ट करते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन आप और कुछ करते हो उसको एनालिसिस चेक करने के लिए। आप जो डॉलर का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर देते हो, फिर वो मोनेटाइजेशन नहीं हुआ रहता है आपका। तो नीचे जो लिखा रहता है वो ऐसा रहता है कि नोटिफाई मी वेन आई एम एलिजिबल, यानी इसका जो मतलब है कि जब मैं योग्य हो जाऊँ तब तो मुझे सूचित करे। यानी जो आपका 4 हज़ार घंटा जो वॉच टाइम है वो पूरा होना चाहिए उस पर लिखा हुआ, और 1,000 सब्सक्राइबर वो पूरे होने चाहिए तब। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने जो टिक किया उसका मतलब ये कुछ नहीं है कि आपका जो चैनल है वो चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, अब बार बार आप जाके चेक नहीं कर सकते हो कि मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितना हुआ, क्या मोनेटाइजेशन हो गया। तो आप जब क्लिक करोगे तो ये यूट्यूब को खुद बता देगा, ईमेल कर देगा कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन हो चुका है। तो इसका ये मतलब है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके 1K सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम अगर पूरा होता है तो यूट्यूब आपको खुद में खुद बता देगा कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है। यानी आपको पैसा, यानी जो पैसा जो आप कमाओगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसे आपके चैनल पे ऐड आनी शुरू हो चुका है, और हर एक महीने में आपके जो डॉलर है आपको दिखेंगे कि कितने कमाए, कितने हुए। तो ये कुछ यूट्यूब के नियम है। अगर कभी आपसे ऐसा हो गया और टिक हो गया तो डरिएगा मत, कुछ नहीं होगा, ये आपको खुद में खुद आपको बता देगा, वैसे ईमेल करके बता देगा आपको यूट्यूब। तो ये वीडियो मेरा यहाँ भी ख़त्म होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।